मेरे दो सवाल करीब लाओ ना, सवाल तो है, अपने तक ही ना रखो सवाल। अब ठीक है? हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। ओके, जैसे जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो सी हुई थी उसके बारे में आपका क्या है? और जरूरी तो नहीं होगी, जी, और टल भी इस सकती है। जी जैसे कल आपने खुतबे में फरमाया था कि अगर 100% एमटी जोन्स हैं वो मिलके दुआ करें तो चंद दिनों में तब्दील हो जाएगी सूरत हाल, तो इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो जाएगी। और क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के मैं एमटीओ तो के ये हवाला लिए दिया था कि मैंने दुआ की तो मैंने ख्वाब में एक बड़ी जोर से ही आवाज़ सुनी, कि अपनी इसलाह कर लो तो चंद रातों की दुआओं से सब काम हो सकते हैं। तो दुआ से तकदीरें बदल जाया करती हैं, सिवाय जो अटल तकदीरें होती हैं जिन्हें टलना नहीं है, जैसे मौत है, बरहक है, वो तो आनी आनी है हर एक को, और इस तरह की जो अल्लाह ताला ने फैसले किए हुए हैं। बाकी दुआ से सारी बातें टल सकती हैं और काम हो भी सकते हैं जल्दी। बाज़ तकदीरें, अब गलबे की तकदीर जो है, इंशा मैंने ये भी कहा था, इंशाअल्लाह ताला अहमदियत ने दुनिया पे गालिब आना है, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके, जिस तरह कहते हैं ना, ज़मीन के किनारे खुरचते जा रहे हैं, तंग होते जा रहे हैं दुनिया में हर जगह। अब 200 मुल्कों में अहमदियत फैल गई है, हम आहिस्ता 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 अहमदियत की तादाद बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। तो यही गलबा होता है कि दुश्मन शोर मचाता है कि हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला नज़ारे दिखा रहा होता है कि हर साल एक दो मुल्क नए दे देता है और लाखों में बैतें दे देता है। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला ये गलबा तो होना है, इसी को गलबा कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेना है, ना हमारा ये मकसद है, ना हमें किसी हुकूमत से गरज है। तो सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला जमात की तादाद बढ़ा रहा है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मानने वाले और इस्लाम की सही तालीम पर अमल करने वाले और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले ज़्यादा से ज़्यादा हकीकी रंग में पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद और उसकी इबादत करने वाले ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और होने चाहिए, तभी अहमियत होने का फ़ायदा है ना। तो ये गलबा है, लेकिन जिन मुल्कों में, जिन जगहों पर अहमदियों पर तंगियां वारद की जाती हैं, उनके कारोबारों को तबाह किया जाता है, वहाँ शहादतें की जाती हैं, उन लोगों की हालत बदलने के लिए अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी है ना, तो फिर दुआ करो। हैं? अजाब आने लगा था तो यूनुस की कौम ने भी दुआ करके टाल लिया था ना। तो अगर अजाब टल सकते हैं तो आज अहमदियत की दुआ से अजाब टल सकते हैं, अगर सही रंग में दुआ की जाए। तो जंगे अजीम जो होगी, ये भी तो एक अजाब ही है ना, दुनिया से टाला जा सकता है, बशर्ते कि दुनिया भी अपनी इसलाह की कोशिश करे। तुम लोग इस दुआ करते रहो कि अजाब टल जाए और दुनिया बेहूदगी में पड़ी रहो तो फिर तो नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे से जो तकलीफ़ें वो दूर हो जाएंगी और फिर अल्लाह ताला और रंग दिखाएगा, उन लोगों को अजाब दे के ख़त्म कर दे जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं। ठीक है, वो मौलवी, वो खबीस फितरत लोग जो बुराइयों में मुलव्वस हैं और नेक लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बिला वजह कत्लो गारत जिन्होंने मचाई हुई है, उनको अल्लाह ताला ख़त्म कर सकता है, कर देगा। तो ये भी एक सूरत हो सकती है उनको ख़त्म करके सारों को। तो